Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So guys, today's video I am gonna to tell you how to make the formula of any compound. आज के वीडियो में आपको पूरा की पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So without further ado, let's get started. तो गाइस यहाँ पे हमारे पास चार क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग टाइप के. तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड में हम देखते हैं हाइड्रोजन का फॉर्मूला सिंबल क्या है, एच है. ओके, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या है फॉर्मूला, सॉरी सिंबल Cl है. अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, और क्लोरीन की 1. अब हम लोग ये हाइड्रोजन की वैलेंसी हम क्लोरीन में दे देंगे और क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन में दे देंगे, ठीक है. और एक और बात याद रखना, 1 जब भी होता है, जब भी हमारे पास वैलेंसी 1 होती है तो हम कभी भी फॉर्मूला में 1 नहीं लिखेंगे. जैसे कि मैं इसमें बता रही हूँ H1Cl1, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. जैसे हमें पता है कि 1 हम कभी भी नहीं लिखते, तो हमारा आंसर क्या होगा, HCl. ओके, ये होगा हमारा राइट आंसर. सो गाइज, अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट. हाइड्रोजन सल्फेट में क्या है, हाइड्रोजन के हमें सिंबल भी पता है, सल्फेट मतलब सल्फर, ठीक है. तो हाइड्रोजन का क्या है सिंबल, एच है. ओके, और सल्फर का क्या है, एस है. ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है, और सल्फर की वैलेंसी 2 है. अब हम लोग ये कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारी जो एस की जो वैलेंसी है वो एच में चली जाएगी और एच की वैलेंसी एस में चली जाएगी, तो आंसर क्या होगा, H2S, क्योंकि हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो हमने आया H2S1 आया, लेकिन हम 1 तो डिनोट करते नहीं, तो आंसर क्या आया, H2S इज द राइट आंसर. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. ऑक्साइड हो समझ जाना कि वो ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम का हो जाएगा Ca और ऑक्सीजन का हो जाएगा O. ओके, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2+ है. ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2- है. अब आप देख रहे होंगे मैंने पहले प्लस माइनस नहीं लिखा था, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आप लिखना चाहो तो लिखो, भी नहीं लिखना है तो मत लिखो, आप सिंपली भी वैलेंसी लिख सकते हो, प्लस एंड माइनस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. गाइस हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो अब हमने देखा यहाँ पे सी आंसर क्या आएगा हमारा, Ca2O2, ये आंसर आया आपका, लेकिन ये आंसर गलत है. कैसे गलत है, इसलिए गलत है ये आंसर क्योंकि जब सेम वैलेंसी होती है तो हम वो डिनोट नहीं करते हैं. यहाँ पे 3-3 वैलेंसी होती है दोनों की, तो भी हम 3 को डिनोट नहीं करेंगे. जब सेम वैलेंसी होती है तब हम इसे हटा देते हैं ना, और आंसर क्या आ जाता है हमारा, Ca(O) इज द राइट आंसर. गाइस हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमने देखा था सिंपल वाला है, हमने यहाँ पे कोई सी भी वैलेंसी नहीं लगाई थी क्योंकि इसमें 1 वैलेंसी थी. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कि हमारे पास एक अलग अलग वैलेंसी है तो हम कैसे करेंगे, तो हमने 2 वैलेंसी है, 1 से ज़्यादा वैलेंसी है तो हम डिनोट कैसे करेंगे, हमने उसमें वो सीखा. अब थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जब सेम वैलेंसी होती है तो हम उसे डिनोट नहीं करते. अब आता है फोर्थ वाला, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपको ये इजीली आ जाएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना. ओके, हमें क्या करना है, इसमें आपको ब्रैकेट कब लगाना है ये सीखेंगे हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम का सिंबल क्या है, सी है, और हाइड्रोक्साइड इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. तो हम जो पीछे लिखा होता है हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, तो वो ओ आ जाएगा आगे और एच पीछे चले जाएगा. ओके, तो इसका सिंबल क्या होगा, ओ एच हो जाएगा, ठीक है. कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी है 2+, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है, OH की वैलेंसी है -1-, ठीक है. हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, Ca, और 1 को डिनोट नहीं करा तो OH2, ये आंसर हमारा रॉन्ग, ये आंसर नहीं हुआ. अब देखो हमारा रॉन्ग कैसे है, जब 2 एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट बनता है तो उसे हम हर समय ब्रैकेट में ही लिखेंगे.
ओके और टू को बाहर ही लगाएंगे क्योंकि वो वैलेंसी है। ओके वैलेंसी है तो इसलिए हम टू को बाहर लगाएंगे। और एक और बात ध्यान रखना कि हम जब भी वैलेंसी लिखते हैं ना तो वैलेंसी को हम सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, हर समय सबस्क्रिप्ट में ही लिखना है। आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। So guys, that's for today's video. I hope you like the video. If you like the video, give a big thumbs up and subscribe to my channel for more amazing learning videos. Till then, keep learning, keep planning.